इंटर्न्स की खातिरदारी हो रही है भाई। चाय आएगी, चाय पानी आएगा, अभी बिस्किट वगैरह आएंगे, मिठाई आएगी, सब कुछ आएगा। देख रहे हो कितना खास मानते हैं ये। मैं हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मेरे लिए और मेरे क्लासमेट्स के लिए थोड़ा सा खास दिन है, क्योंकि आज से हमारी इंटर्नशिप फाइनली शुरू हो रही है। और एक महीने से कॉलेज के पीछे पड़े हैं भाई, कि मतलब इंटर्नशिप शुरू करा दो, रिजल्ट दे दो, लेकिन आज फाइनली जाके हो रही है। तो अब डेली 9-10 बजे उठते थे, आज 7 बजे उठना पड़ रहा है। अब डेली क्या ऐसे ही 7-8 घंटे की शिफ्ट लगेगी हमारी, लगने वाली है, तो अब तैयार होते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब रेडी हो चुके हैं अपने इंटर्न के लिए, चलते हैं अब महंत इंद्रेस हॉस्पिटल, थर्ड फेज ऑफ कॉलेज शुरू करते हैं आज से। कैसा लग रहा है भाई? ओ कैसा लग रहा है, इंटर्न शुरू हो गया बोल देगा ले भाई। गाइस एक्साइटमेंट देख रहे हैं उनके चेहरे पे, आधे नाराज है और आधे खुश है। पहली बार हो रहा है, वो ये ना जब तक खाने को ना मिले तब तक तरस रहे थे, और जब खाने को मिला तो ये अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। तो नया इतने दिन बाद फाइनली जो है हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, कैसा लग रहा है? तेरी शक्ल पे ना 12 बज रखे हैं, लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ये तो खुश है यार, टकोला जी। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर, क्या करेंगे, लग रहे इंटर्न्स की खातिरदारी हो रही है भाई। चाय पानी आएगा, अभी बिस्किट वगैरह आएंगे, मिठाई आएगी, सब कुछ आएगा। देख रहे हो कितना खास मानते हैं ये। मैं आज हम ये देखो इस लोंडे का हो रहा है रिश्ता, इस तरह से बिठा रखा है मैं यहाँ पे, खातिरदारी हो रही है। बस चाय बिस्किट नमकीन पानी आने वाला है भाई। त्यागी जी पे फोकस, लड़की कौन है? हमें बोला है बातें नहीं करनी वरना इंटर्नशिप कैंसिल हो जाएगी। बिल्कुल गाइस, जब बात बंद नहीं कर रहे थे इनके मुंह पे ना मास्क लगवा दिए, देखो इनका मुंह ही बंद नहीं होता, सबके मुंह पे ना मास्क लगवा। ये मुझे फालतू बुलवा रहा है बार बार, इसकी वजह से मुझे डांट पड़ रही है। मास्क बनवा दिया इसने मुझे, समझे? चुप यार, हम यहाँ पक गए हैं, इनका शेड्यूल तक नहीं बना, इन्होंने बुला लिया हमें सुबह से। हमारा बॉलियों का इंटर्न लिया हमारे, देख रहे हो इंटर्नशिप का फर्स्ट डे, हमें लगा दिया गया है काम पे यहाँ पर, हम अपने काम में बिजी हैं। संयम भाई थक चुका है, ऋतिक भाई तो बिल्कुल थक चुका है। कोई बात नहीं यार, फर्स्ट डे, पहला दिन, हालत हो गई खराब। संयम के साथ लंच खाने आए हैं हम हॉस्पिटल के बाहर, फर्स्ट डे में थोड़ी वाट लग गया है ना। हमको मिला यहाँ राजमा चावल, संयम स्वाद लेता हुआ। क्या हाल है संयम, कहाँ भाग रहा? तो दोस्तों, आज है इंटर्न का सेकंड डे, आज हमसे ज़्यादा काम नहीं करवाया जा रहा है, इसलिए इसको मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और कल भी हमें बहुत बोरिंग करा था आधा घंटा, तो ना आधा दिन हम बोर हुए, आधा दिन काम कर रहे हैं। कौन? इनको मज़ा आ रहा है, सारे ऐसे घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। इंटर्न है ये, मजे हैं बस, 6 महीने यहीं पे रहेंगे, पूरा मज़ा। सही हम बॉस को भी भाई, क्या चीज़ है शिमला और क्या है अंटार्कटिका, क्या कुछ नहीं। ये देखो -40 डिग्री और -80 डिग्री, यहाँ आ जाओ घूमने, सब कुछ हो गया, देख रहे हो। अगले 1 महीने के लिए हम लोग यहाँ पर बुक हैं, ब्लड बैंक, क्या कहते हैं, ब्लड बैंक में। देख रहे हो, बोलना भी नहीं आ रहा था। ये रोंडा लोग यहाँ के सो रहा है, काम सीखने की इसको कोई चाहत नहीं है यहाँ पर ना, दिखाते हैं पूरा। ये यहाँ पर जो है प्लाज्मा स्टोर हो रखा है ये सब, और जो है -80 डिग्री वाले में भी हो रखा है। ये देखो, ओ भाई ये देख क्या हालत है, बंद करो इसको। तो यहाँ पॉपकॉर्न बनते हैं और यहाँ पर जो है कपड़े धुले जाते हैं, ठीक है, और इसमें से सुखाए जाते हैं इस वाली में, ठीक है। और ये जो है ये ब्लड सैंपल्स हैं,
उसके डोनेशन, ब्लड डोनेशन जो करते हैं उसके। ये जो है ये है ब्लड कलेक्शन जिन्होंने डोनेट किया होगा। इस ब्लड को सीधा ही रखते हैं, उसके बाद ये इसमें जाएगा, फिर यहाँ वेटिंग मशीन पे बैलेंस करेंगे, फिर यहाँ पर सील पैक करेंगे। इस चीज़ की सील पैक करने के बाद उस मशीन में होगा सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का क्या मतलब होता है कि इसकी जो लेयर है ब्लड नीचे बैठ जाएगा, प्लाज्मा अलग हो जाएगा और जो उसमें सेल्स होती है वो बीच वाले कोट पे आ जाएगी। उसके बाद प्लाज्मा को निकालने के बाद उस वाले उसमें स्टोर कर देंगे उसको, नहीं तो ख़राब हो जाता है फिर।